हमारा टॉपिक चल रहा है वैज्ञानिक क्रांति, जिसके अंतर्गत हमने वैज्ञानिक क्रांति का अर्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था लियोनार्डो दा विंसी, निकोलस कॉपरनिकस, जाइटिनियो ब्रूनो, टाइको ब्राहे, जोहान कैपलर और गैलीलियो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को हम डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ उनके हुए विरोध की बात भी हम कर चुके हैं। गैलीलियो के द्वारा है वो प्रतिपादित सिद्धांत जिसमें पेंडुलम और सीडीरियस नैनेटियस उनके द्वारा पुस्तक है वो प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे जीरोलामा फ्रांको स्टोरो, 1474 1553, सर्वप्रथम रोग निदान के क्षेत्र में प्रगति। अभी तक ये माना जाता था कि रोगों का मुख्य कारण शरीर में विद्यमान विभिन्न रसों के अनुपात में कमी आ जाना था अथवा विकृति पैदा हो जाना, परंतु इटली के एक चिकित्सक थे जिसका नाम था जीरोलामा फ्रांको स्टोरो ने अपने प्रयोगों एवं खोजों के आधार पर यह मत प्रतिपादित किया कि रोगों की उत्पत्ति के लिए कुछ बाह्य कारण भी होते हैं। फ्रांक स्टोरो ने उपदेश नामक रोग के निदान पर विशेष ख्याति अर्जित की थी। इसके पूर्व लोगों को इस रोग के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। फ्रांको स्टोरो ने संक्रामक रोगों पर एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उसने बताया था कि किस प्रकार से संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करते हैं। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के विकास में सहयोग मिला था। औषधि विज्ञान में फ्लेमिंग एंड्रियस वेसालियस 1514 से 64 का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह पहला व्यक्ति था जिसने मानव शरीर के सूक्ष्म निरीक्षण के उपरांत शरीर रचना संबंधी ज्ञान का प्रतिपादन किया। उसे भी चर्च की अदालत ने ही बुलाया गया था। नेक्स्ट है विलियम हार्वे, 1579 से लेकर 1657। इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने पता लगाया कि हृदय रक्त को धमनियों के द्वारा सारे शरीर में फेंकता है और शिराओं द्वारा वापस लेता रहता है। इस खोज के कारण ही रक्त चढ़ाने अथवा हृदय और ग्रंथियों के रोगों की चिकित्सा संभव हो पाई। कॉपरनिकस और फ्रांको स्टोरो की भांति विलियम हार्वे ने भी इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। हार्वे ने भ्रूण की स्थिति का भी गहन अध्ययन किया। हार्वे ने अपनी खोजों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि मानव शरीर एक द्रव्य चालित मशीन के समान है और इसमें आत्मा नामक रहस्यमय वस्तु का अस्तित्व नहीं है। हार्वे ने अपनी खोजों से यह सिद्ध किया था कि मानव शरीर एक द्रव्य चालित मशीन के समान है और उसमें आत्मा नामक रहस्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। इससे रूढ़िवादी धर्माधिकारियों को गहरा आघात लगा क्योंकि अभी तक उनके समस्त विश्वासों का आधार ही आत्मा, परमात्मा तथा जीव की मुक्ति पर आधारित था। इससे प्रभावित होकर वैज्ञानिकों ने शरीर रचना के नए नए रहस्यों का पता लगाना शुरू कर दिया। वॉल हेलमार्ट और रॉबर्ट बॉयल रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 1630 ईस्वी में वॉल हेलमार्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस का निर्माण किया। उसने यह भी सिद्ध किया कि गैस और हवा अलग अलग हैं। कॉर्डस नामक वैज्ञानिक ने गंधक और अल्कोहल को मिलाकर ईथर का निर्माण किया था। रॉबर्ट बॉयल 1627 से 1691 ईस्वी नामक वैज्ञानिक ने
गैसों के विस्तार क्षेत्र में नए सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें बताया गया कि गैसों का आयतन दबाव पर निर्भर करता है। अर्थात यदि दबाव बढ़ता है तो गैस का आयतन कम होता जाता है, और यदि दबाव घटता है तो गैस का आयतन बढ़ता है। बॉयल के सिद्धांत रसायन विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए और इसके एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में लिया। मध्यकाल में रसायन विद्या को कीमियागिरी कहा जाता था। मध्यकाल में रसायन विद्या को कीमियागिरी कहा जाता था और इस विद्या का मुख्य ध्येय यह पता लगाना था कि अन्य धातुओं को सोने में कैसे तब्दील किया जाए। बेकन और डेकार्ट इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। फ्रांसिस बेकन और फ्रांस के रेने देस्कार्तेस यानी डेकार्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। बेकन ने अपने ग्रंथ नोवम ऑर्गेनम में वैज्ञानिक अध्ययन के सूत्र समझा। उसने मध्यकालीन बाधाओं का उल्लेख करते हुए वैज्ञानिकों से अपील की कि वे परंपराओं और रूढ़ियों की तरफ ध्यान न देकर बुद्धि एवं तर्क का प्रयोग करें। सत्य को पहचानने तथा परखने के लिए बार बार प्रयोग करें और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। इस प्रकार बेकन ने प्रयोगों के विचार को लोकप्रिय बनाया। प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानने तथा प्रकृति के तत्वों की सही पहचान करने के लिए बेकन ने वैज्ञानिकों को बार बार परीक्षण करने की सलाह दी, ताकि प्राकृतिक तत्वों की सही पहचान की जा सके। डेकार्ट एवं फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक थे। वैसे वह एक धर्मपरायण व्यक्ति था, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में उसने संदेह और तर्क पर बल दिया। रूढ़िवादी लोगों को अपना शत्रु बना लिया। उसकी सबसे बड़ी खोज यह थी कि बीज गणित का प्रयोग ज्यामिति में कैसे किया जाता है। उनकी खोज है बीज गणित का प्रयोग ज्योमेट्री में कैसे किया जाता है। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में भी उसने अरस्तु के नए कई विचारों का खंडन कर दिया था। बाद के वैज्ञानिक तारतगलियो 1522 से 63 नामक विद्वान ने गणित के क्षेत्र में घन समीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कैपलर ने शंकु संबंधी नियमों की खोज की और नेपियर नामक विद्वान ने प्रतिफलन और स्टेविन ने दशमलव पद्धति पर काम किया था। अन्य परिवर्तन अगर हम देखें वैज्ञानिक क्षेत्र में, तो वैज्ञानिक प्रगति के नए नए अस्त्र शस्त्रों तथा यंत्रों एवं उपकरणों के निर्माण ने भी गति प्रदान की थी। मध्य युग में यूरोप में चीन से बारूद लाया गया, इससे युद्ध कला में धीरे धीरे सुधार आया। नए आग्नेय अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग युद्ध कला में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब सामंतों के सुदृढ़ दुर्ग बालू के टीलों की भांति ध्वस्त होने लगे। इससे सामंती शक्ति निर्बल बढ़ी। नौका परिवहन के क्षेत्र में वेनेशिया लोगों ने पहल की। उन्होंने बड़े बड़े जहाजों का निर्माण किया। मानचित्रों में भी काफी सुधार किया। दिशा सूचक यंत्र और विकसित एस्ट्रोलैब, वह उपकरण जिससे अक्षांश जाना जाता है, का प्रयोग किया जाने लगा। इससे गहरे समुद्रों में यात्रा करना संभव हो पाया। अन्य नए उपकरणों में थर्मामीटर, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दीवाल घड़ी, एयर पंप आदि मुख्य थे। इन उपकरणों की उपयोगिता के साथ साथ लोगों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी व्यापक होता चला गया। सोलहवीं से लेकर 18वीं सदी के मध्य विज्ञान के क्षेत्र में निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण का जो दौर चला, उससे पर्याप्त सफलता भी मिली। इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी विकास हुआ और लोग इसे वैज्ञानिक क्रांति कहने लगे।
वैज्ञानिक क्रांति की सबसे बड़ी देन यह रही कि इसने प्राचीन एवं मध्यकालीन विश्वासों को ध्वस्त कर दिया और विश्व के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर दिया। परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान की गतिविधियों में सहसा तूफान सा आ गया और मानव जीवन से संबंधित अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। इसका मुख्य कारण यह रहा कि पुराने युग के विद्वान एवं कलाकार राजाश्रय पर निर्भर थे और वे स्वतंत्र रूप से काम करने के अवसरों से वंचित, जबकि इस युग के विद्वान वैज्ञानिक एवं कलाकार राजाश्रय के स्थान पर स्वतंत्र साधनों से काम करने लगे थे और स्वयं की इच्छा शक्ति एवं ज्ञान विज्ञान की सहायता से नए नए अन्वेषण तथा प्रयोगों में जुटे रहे। उन्हें समृद्ध व्यापारियों, उद्योगपतियों, जमींदारों, वकीलों, डॉक्टरों आदि से पर्याप्त आर्थिक सुविधा एवं समर्थन प्राप्त हुआ था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन 17वीं सदी के मध्य से विज्ञान अधिकाधिक संस्थाबद्ध होता चला गया। विज्ञान के अनौपचारिक बैठक के 1645 ईस्वी में आरंभ हुई, जिसके परिणाम से रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना हुई। विधिवत गठन हुआ 1662 ईस्वी में और सोसाइटी की साप्ताहिक बैठकों में वैज्ञानिक, गणितज्ञ, व्यापारी, कुलीन एवं पादरी लोग भाग लेते थे। अपने प्रारंभिक दिनों में रॉयल सोसाइटी ने अपने क्रियाकलापों को बहुत हद तक बेकन के इस आदेश के अनुरूप ढाला कि ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए। इसका काम उस समय की वाणिज्यिक, विनिर्माण और कृषि संबंधी समस्याओं से संबंधित तकनीकों को सोच निकालना और उनके लिए उपकरण बनाना। इस मामले में फ्रांस भी पीछे नहीं रहा। लुई 14वें के समय में 1666 ईस्वी में फ्रेंच रॉयल अकादमी की स्थापना की गई। धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार की संस्थाओं का गठन किया गया और इस प्रकार विज्ञान संस्थाबद्ध होता चला गया। कोई संस्था खगोल विज्ञान का केंद्र बन गई तो कोई प्रौद्योगिकी का। इन संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं ने लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि को काफी बढ़ावा दिया और चर्च ने भी अब विज्ञान के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया और अब वैज्ञानिकों को उत्पीड़न का भय न रहा। नेक्स्ट वैज्ञानिक है सर आइजक न्यूटन। 1642 से 1727 ईस्वी तक का समय है। वैज्ञानिक के सिद्धांत और नियमों पर काम करते हुए बाद में वैज्ञानिकों ने प्रकृति के रहस्य को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए और जिसमें 18वीं सदी के आगे की सदियों में जारी रहे। इस काल के वैज्ञानिकों में आता है सबसे पहले नाम सर आइजक न्यूटन का। एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाले न्यूटन ने गणित में इतनी कुशाग्रता तथा योग्यता का परिचय दिया कि 27 वर्ष की अल्पायु में ही उसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं पर न्यूटन के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा, परंतु न्यूटन का सर्वाधिक महान और अत्यधिक प्रभावशाली योगदान गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। जब वह युवा था तभी उसने ये जानकारी प्राप्त कर ली थी कि वह शक्ति जिसके द्वारा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं वही है जो छोड़ी गई वस्तुओं को नीचे गिराते हैं, परंतु उसने अपनी ये जानकारी संसार को काफी देर बाद दी। 1687 ईस्वी में उसकी पुस्तक है जिसका नाम है न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया, प्राकृतिक दर्शन के गणित संबंधी सिद्धांत के माध्यम से दी थी। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ने संपूर्ण वैज्ञानिक जगत में हलचल मचा दी। न्यूटन ने प्रकृति के नियम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अंतर्गत आकाशीय पिंडों की गति और पदार्थों के ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरने की व्याख्या की। न्यूटन ने सिद्ध किया कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर से पृथ्वी की ओर खींचती है। पृथ्वी अन्य सभी ग्रहों को भी अपने ओर खींचे रहती है। इस सिद्धांत का लोगों पर भारी प्रभाव पड़ा और लोगों को पता चला कि हमारी पृथ्वी धर्मशास्त्र अनुसार कोई देवयोग या आकस्मिक घटना नहीं है, अपितु एक ऐसी वस्तु है जो प्रकृति के सुव्यवस्थित नियमों के अनुसार चल रही है। न्यूटन ने प्रकाश किरणों से स्पेक्ट्रम के 6 रंगों में बढ़ जाने का भी अध्ययन किया था। विज्ञान की प्रगति में न्यूटन का एक अन्य योगदान एक नई गणितीय प्रणाली की खोज है
जिसके माध्यम से भौतिकीय सिद्धांतों का परिणामात्मक रूप में ऐसे कैलक्यूलेबल परिणामों में बदला जा सकता था, जिनकी प्रेक्षण के द्वारा पुष्टि की जा सकती थी। संक्षिप्त में, न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। गैलीलियो और न्यूटन के समय की अगर हम तुलना करते हैं तो हमें पता लगता है कि गैलीलियो के युग में वैज्ञानिक लोग अलग थलग थे। सीमित साधन और परीक्षण प्रणाली के आधार पर प्रकृति के रहस्य को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, और चर्च धर्मभीरु जनता का उन्हें किसी प्रकार का कोई समर्थन अथवा सहयोग न मिल पा रहा था, क्योंकि लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का अभाव था। परंतु न्यूटन के युग में जांच की वैज्ञानिक पद्धति विकसित हो चुकी थी, लोगों की मानसिकता में भारी बदलाव आ चुका था, चर्च के उत्पीड़न का भय समाप्त हो चुका था, और व्यापारी तथा उद्योगपति वैज्ञानिकों को नई नई खोजों के लिए संरक्षण एवं प्रोत्साहन दे रहे थे। वैज्ञानिक लोग भी अलग थलग नहीं रहे, कई देशों में सोसाइटियों की स्थापना हो चुकी थी और वह अब एक दूसरे से संपर्क कर रहे थे, विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। परिणाम ये रहा कि विज्ञान लोकप्रिय बनता चला गया, और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों का विकसित होता चला गया, और सामाजिक समस्याओं के समाधानों के लिए भी लोग अब वैज्ञानिक तरीके अपनाने लगे थे। आधुनिक काल के आरंभ में वैज्ञानिक विकास क्यों संभव हो पाया, इस संबंध में विद्वान इस बात से सहमत है कि पुनर्जागरण, धर्म सुधार, व्यापार वाणिज्य की जबरदस्त उन्नति, साथ ही पूंजीवाद का विकास का महान योगदान वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने और वैज्ञानिक रहा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि विज्ञान की प्रगति स्वतः प्रेरित थी, जबकि कुछ के अनुसार ये प्रगति धर्म निरपेक्षता की प्रक्रिया से प्रेरित थी।